Good evening, dear friends, brothers and sisters, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ, and welcome to the hour of studying God's Word. और आज की शाम सभी भाइयों और बहनों, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूं और इस बाइबल अध्ययन के समय में आप सभी का स्वागत करता हूं। We have been studying the book of Corinthians, the first letter Paul wrote to the Corinthian church. और हम पहले कुरिन्थियों की पत्री के ऊपर मनन अपने अध्ययन को रखे हुए हैं। And we are in the 13th chapter, which is the chapter that describes the different aspects of love. Define love. और हम पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय पर अपने अध्ययन को रखे हुए हैं, जो प्रेम की परिभाषा को देता है। And what we are now considering is love does or love's actions. What does love does not do but does do? कि प्रेम क्या नहीं करता और क्या करता है? And in the list of what does this divine love do, there are 15 actions of love. और जो इस पूरी श्रृंखला में, जिसमें जो प्रेम जिन कार्यों को या जिन बातों को करता है, हमारे पास 15 ऐसे कार्य हैं। And in our last study, we considered 7 of them. और हमारे पिछले अध्ययन में उनमें से 7 कामों को हमने देखा। And so by the grace of God, and remember, the Holy Spirit is our teacher. और याद रखिए, परमेश्वर के अनुग्रह से पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। And may the Holy Spirit enlighten us and expand our understanding and give us good knowledge of what we are looking at. और होने दे पवित्र आत्मा हमारे मनों को प्रकाशित करे और हमें वो बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, ताकि जिस बाइबल वचन के ऊपर हम अध्ययन को कर रहे हैं उसको समझने पाए। And the eighth thing that love does. और वो आठवां कार्य या काम जो प्रेम करता है, or does not do. या नहीं करता है। Love is not easily angered. कि प्रेम बहुत जल्दी क्रोधित नहीं होता। That means not ready to take offenses. इसका मतलब ये है कि प्रेम बहुत जल्दी बुरा नहीं मानता या झुंझलाता नहीं। Love is not quick-tempered. और या वो बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करता। Or sometimes we say don't be touchy, and love is not touchy. जैसे कई बार हम कहते हैं कि मुझे छूना मत, लेकिन प्रेम तो इसका उल्टा है कि आप लोगों को प्रेम से स्नेह कर सकते हैं। It does not lose patience and therefore does not become exasperated. और वो अपने धीरज को प्रेम खोता नहीं और इस कारणवश वो किसी भी बात को लेकर झुंझलाता नहीं या बुरा नहीं मानता। In other words, love controls our emotions. इसका मतलब ये है, दूसरे शब्दों में, कि प्रेम हमारी भावनाओं का नियंत्रण करता है। And it never becomes angry without a cause. और बिना किसी कारण के कभी गुस्सा नहीं होता। Let us read one passage from the book of Romans. और रोमियों की पत्री से हम एक वचन के भाग को पढ़ेंगे। Romans 12:18. और उसका 12वां अध्याय और 18वां वचन। There are so many scripture passages. और कई सारे वचन के भाग हैं। And if we have to read all these passages, it takes too much time. अगर हम इन सारे वचनों को पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। रोमियों की पत्री 12वां अध्याय 18वां वचन, जहां तक हो सके तुम भर सक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाव रखो। As much as possible, maintain peace with जैसा everybody. वहां पर रखा है, जितना हो सके सब मनुष्यों के संग मेल मिलाप रखो। We will read one more passage. एक वचन के भाग को और हम पढ़ेंगे। Colossians chapter 3 verse 8. और कुलूसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और 8वां वचन। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह की से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। Now that is a very important thing that all the believers in Jesus Christ must consider
एंड प्रैक्टिस इट सीरियसली। और ये एक ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो सभी प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों या अनुयायियों को अपने जीवन में लागू करनी और स्वभाव में लानी है। There are some other passages. और कुछ और वचन के भाग भी हैं। And perhaps what I am going to do is I write these, maybe write these and make it available to you. और कृपया कर मैं इन्हें बता दूंगा और मैं ये करूंगा कि मैंने लिख कर आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। In other words, you know, someone who practices this love. और ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार के प्रेम का में चलता है या उसका के अनुसार अपना जीवन जीता है, दे नेवर बिकम्स एंग्री विदाउट अ रियल सीरियस रीजन और कॉज। वो कभी भी गुस्सा नहीं होते बिना किसी कारण के जिसके पीछे एक सही कारण या अस्तित्व है। एंड देयर आर पीपल हु वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम एंग्री। और ऐसे कई लोग हैं जिनको गुस्सा दिलाना बड़ा कठिन काम है। बट वंस दे गेट एंग्री, लेकिन जब वो एक बार क्रोधित हो जाते हैं, इट इज बिकॉज देयर इज अ रियल कॉज, वहां पर एक सच का कारण है। एंड आई नोटिस व्हेन सच पीपल गेट एंग्री इट शोस अप इन इट्स रियल कलर। और मैंने देखा है कि ऐसे लोग जब क्रोधित हो जाते हैं तो वो उनके सही रंग को दिखलाता है। They will be really angry. तब वो सच में क्रोधित हो जाएंगे। And so, there are some fathers like that. और कई सारे पिता इस प्रकार हैं। You know, usually they are very, very patient with the children. और खास रीति से वो बच्चों के संग धीरज रखते हैं। And it's very difficult for fathers to get angry unless there is a very serious cause. और पिताओं के लिए जल्दी क्रोधित होना बड़ा कठिन बात है जब तक कोई सच का कारण ना हो। Once they are really angry, और जब वो सच में क्रोधित हो जाते हैं, then the child better be careful. तब वो बच्चा को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। So that is the eighth love, act of love. और ये आठवां काम है प्रेम का। It does not easily anger. और वो बड़ी आसानी से क्रोधित नहीं होता। And the ninth point is. और जो नवा काम है प्रेम का। Love keeps no record of wrongs. और जो प्रेम है वो बुराई का कोई हिसाब किताब नहीं रखता। Some people have a habit of keeping a record of all the wrong things some people. कई लोगों के पास ये आदत है कि वो पुरानी बातों की जो गलतियां हुई हैं दूसरों के उनके जीवन में दूसरों के द्वारा उनका हिसाब वो बना करके रखते हैं। The problem with that is. और इस बात के संग समस्या ये है। Slowly they begin to think evil. और धीरे-धीरे कर वो बुरा और बुराई के विषय में सोचना शुरू कर देते हैं। Keeps no record of wrongs. लेकिन वे जो बुराई का कोई हिसाब किताब नहीं रखते, they do not think evil. और वो बुरा नहीं सोचते, is not resentful. और वो बदला लेने का भावना भी उनके अंदर नहीं आ रहा था, and does not consider the evil done to oneself. और अपने साथ जो बुरा किया गया है उसका बुरा नहीं मानता। And so love suffers the evil done to him. और इसलिए जो प्रेम है जो बुरा उसके संग किया गया है उससे होकर के निकलता है। एंड फॉरगेट्स इट, और उसको भूल जाता है। वंडरफुल क्वालिटी, और एक बहुत ही अद्भुत गुण। डस नॉट कंसीडर द रॉन्ग सफर्ड, और देखता है कि जिस बात के लिए वो उस पीड़ा से होकर के निकला है उसका बुरा नहीं मानता। देयरफॉर डस नॉट सीक एनी वेंजेंस, और इसीलिए वो किसी भी प्रकार का बदला भी नहीं लेना चाहता। Let us read one or two passages. एक और एक या दो वचन के भागों को हम पढ़ेंगे। The Gospel according to St. Matthew chapter 5 verse 39. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय और 39वां वचन। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। That is very difficult to practice. और ये बात जो यीशु मसीह कहता है, इसका अनुभव, इसका प्रयास करना बड़ा ही मुश्किल है। I heard the testimony of a very
marvelous man of God. और मैंने परमेश्वर के दास एक जो बहुत परमेश्वर के अद्भुत दास थे उनकी एक गवाही को सुना था. He was in a foreign country. और वो एक परदेश में थे, एक दूसरे राष्ट्र में थे. Where the religion is not Christian. और जहाँ पर जो धर्म है वो मसीहत नहीं है. And he was speaking at a university. और वो एक विश्वविद्यालय में बातचीत कर रहे थे. Talking about Jesus Christ. और वो यीशु के विषय में वहाँ बता रहे थे. And some leader, he came upon the stage. और एक अगवा जो वहाँ बैठा था वो स्टेज पर आ गया. And he said, Jesus taught, if somebody beat you or hit you on your right cheek, you turn the other cheek also. और उसने इस प्रकार कहा कि यीशु ने शिक्षा दी है, अगर कोई तेरे बाएं गाल पर अगर एक थप्पड़ मारे तो अपना दाहिना गाल भी आगे कर देना. And the preacher said, yes. और उस प्रचारक ने कहा हाँ, ऐसी ही शिक्षा है. And then without any warning, that fellow hit this preacher's cheek. और बिना किसी चेतावनी के इस अगुए ने उस प्रचारक के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया. And you know what the preacher did? आपको पता है उस प्रचारक ने क्या किया? That fellow told him, I want to hit your other cheek also. और उस व्यक्ति ने बोला कि मैं आपके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मारना चाहता हूँ. And that preacher showed him, turn his right side. और उस प्रचारक ने अपना दाहिना गाल भी उन्हें दे दिया थप्पड़ मारने. And he hit that very hard. और उस बड़े एक जोरदार थप्पड़ उसने वहां भी जड़ दिया. Then he said that Jesus also taught that if somebody ask you for your cloth, you give your shirt also. और उसने फिर कहा कि यीशु ने ये भी शिक्षा दी है कि अगर कोई तेरी कमीज मांगे तो उसको अपने कपड़े भी दे दे. And so I want your shirt. तो उसने ये कहा कि मुझे आपकी कमीज चाहिए. And he removed. और उन्होंने निकाला. The shirt and gave him. और अपनी शर्ट निकाल कर, कमीज निकाल कर उनको दे दी. Now I want your pant also. मुझे आपका पैंट भी चाहिए. And he removed the pant. और उन्होंने पैंट भी निकाल के दे दिया. One by one. एक एक करके. It was a very difficult situation. और ये एक बड़ी कठिन परिस्थिति थी. And the whole university students body was there. और पूरे विश्वविद्यालय के बच्चे वहाँ मौजूद थे. And there were, of course, it was a Muslim country, and all of them were Muslims. और क्योंकि एक मुस्लिम इस्लामिक देश था, तो वहाँ सभी इस्लामिक धर्म से थे. But it had what that leader expected to happen. Just the opposite happened. और जो अगुए ने सोचा था कि जैसा होगा उसका उल्टा ही कुछ हो गया. And after everything was over, जब ये पूरा घटनाक्रम समाप्त हो गया, this preacher was walking away as fast as possible to get into his room somewhere. तब ये प्रचारक जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने कमरे की ओर जाना चाहता था. And after few minutes, कुछ मिनट के बाद, when he opened the door, जब उन्होंने दरवाजा खोला, he saw the most of the student body, students who were standing at his door. तब उन्होंने देखा कि ज्यादातर बच्चे जो विश्वविद्यालय के थे उनके दरवाजे पर खड़े हैं. They were standing in front of that man of God. और वो परमेश्वर के दास के सम्मुख खड़े थे. Ashamed of themselves. अपने आप में शर्मशार हुए. And they started talking to him. और उनसे बात करना शुरू कर दिया. That they were extremely sorry for what had happened. कि वो बड़े क्षमा मांगते हैं उस घटना के लिए जो उनके साथ वहाँ विश्वविद्यालय में हुई. And they had such an admiration for this preacher. और इस प्रचारक के लिए इतना आदर उनके मनों में था. And they were almost cursing their leader. और वो अपने अगवे को श्राप दे रहे थे. You see, when you are obedient to the letter of a command. और ये देखिए, जब आप परमेश्वर के आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी हो जाते हैं,
God Himself would take the responsibility of what happened. तब परमेश्वर खुद जिम्मेदारी उठा लेता है कि आगे क्या होगा. Love and obedience will never, never belittle or pull down the seriousness and the power of God's word. और प्रेम और आज्ञाकारिता कभी भी परमेश्वर के सामर्थ्य को नीचा नहीं होने देगी. Let us read 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. और आइए पहला तस्नोनिको की पत्री की ओर भी हम जाएंगे. पांचवा अध्याय पंद्रवा वचन. सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो. आपस में और सबसे भी भलाई की ही चेष्टा करो. डू नॉट रीपे ईविल विद ईविल. बुराई का बदला बुराई से ना दो. एंड द रिजल्ट विल बी ऑन योर फेवर. और तो परिणाम आपके अनुकूल हो जाएगा. 1 Peter chapter 3 verse 9 says. और पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय नवा वचन. बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो. Those who curse you, और वे जो आपको श्राप देते हैं, and be evil to you, और जो आपके लिए बुरा करते हैं, you do them good, तब आप उनके लिए भला करिए. And what the result will be, और इसका परिणाम क्या होगा? That fellow will be so ashamed of himself, तब वो व्यक्ति अपने आप में शर्मशार हो जाएगा. That it will be just like pouring some black coal upon his. इसी समान होगा कि वो अपने ऊपर जलते हुए कोयलों को रख दे. The power of love. और ये है प्रेम का सामर्थ्य. This love cannot be found in the world. और इस प्रकार का प्रेम को हम संसार में नहीं पाते. Agape love. और ये है वो अगापे प्रेम. The tenth thing. और जो दसवां कार्य है प्रेम का. Love does not delight in evil. कि प्रेम कुकर्म में आनंदित नहीं होता. You know, the natural thing is, और जो स्वाभाविक बात है, when something bad happened to one of your critics or one of you, कि अगर आपके किसी बुरा करने वाले व्यक्ति के संग बुरा हो जाए, our first reaction, yeah, he deserves it. तब हमारा पहला जो उत्तर होगा वो ये होगा कि हाँ, वो तो इसके ही योग्य है. And let him learn a lesson. और होने दे इससे वो एक शिक्षा ले ले. But the agape love, लेकिन जो अगापे प्रेम है, it does not delight in evil. लेकिन वो कुकर्म में आनंदित नहीं होता. Something evil, even if something some evil happens to your own critics or enemy. मान लीजिए आपके शत्रु या बुरा करने वालों के संग भी कुछ बुरा क्यों ना हो जाए. You will be sorry for that man. तब आप उस व्यक्ति के लिए आपको बुरा लगेगा. See, unrighteousness and evil and wrongdoing और आधार्मिकता और गलत करना is prevalent in the world. ये सारी बात ही संसार का चलन है. Where this divine love, agape love, is not practiced. जहाँ पर ये स्वर्गीय प्रेम, अगापे प्रेम का अभ्यास नहीं किया जाता. And it says, love does not take pleasure in the unrighteousness and sin of others. और जो प्रेम है, वो दूसरों की आधार्मिकता में और पापों में आनंदित नहीं होता. It does not feed upon sin and wrong. और वो पाप और गलत कामों से अपने आप को नहीं चलाता. Nor does it pass along the stories of sin and wrong. और ना ही वो पापों की और गलत और या बुराइयों की कहानियों को आगे बताता है. You know, it is an enjoyable thing for people. Generally, what we see is,
if someone does something evil and some wrong or some unrighteous act, that people delight in spreading and talking to others. होता ये है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत कर दे या बुरा काम कर दे तो उस व्यक्ति की बुराई करना या उस बुरे काम जो उसने किया है उसके विषय में दूसरों को हम बताना पसंद करते हैं। Man's nature is too often fed the tragedy of evil. और कई बार मानव का जो व्यक्तित्व है या स्वभाव है वो दूसरों की नाश से चलता है। Whether personal sin, चाहे व्यक्तिगत पाप हो, or natural disaster, या कोई प्राकृतिक नाश हो, which causes some suffering, जो किसी पीड़ा या दर्द को लेकर के आती है। Let us see what Jesus taught. और आइए देखिए यीशु ने क्या शिक्षा दिया। In Matthew chapter 7, verse 3. मत्ती रचित सुसमाचार उसका सातवां अध्याय और तीसरा वचन। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। We are very familiar with this. और इस वचन के भाग से हम बड़े वाकिफ हैं। When we want to criticize somebody, जब हम दूसरों की आलोचना करना चाहते हैं, and point out the faults of someone, और दूसरों के अंदर गलतियों को ढूंढना चाहते हैं, we forget that we have more serious defect and problems in ourselves. तब हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे खुद के जीवन में गंभीर समस्याएं और गंभीर समस्याएं और चुनौतियां मौजूद हैं। Someone said this. किसी ने इस प्रकार कहा। When you point your finger at somebody. कि जब आप अपनी एक उंगली को किसी दूसरे की ओर उठाते हैं। Remember, you have five fingers. याद रखिए आपके पास पांच उंगलियां हैं। And one of them you use to point out something about against your brother. तब उनमें से एक उंगली का प्रयोग करते हैं कि अपने भाई के विरुद्ध कुछ बात को दिखा सके। Your own at least three fingers are directly pointing out to you. तब आपकी अपनी तीन उंगलियां आपके विरुद्ध दिख रही हैं। And the fourth one also is against you. और जो चौथी है वो भी आपके विरुद्ध है। So there is a point to think about. और इसलिए एक बात है जिसके विषय में हमें सोचना है। How easy it is for us to talk or to find the faults of others. तो ये कितना आसान है कि हम दूसरों के अंदर गलतियों को ढूंढें। Jesus used an example which is practically impossible. यीशु ने एक उदाहरण का प्रयोग किया जो स्वाभाविक रूप से तो असंभव था। He said, "You are trying to remove the dust, a small grain of dust in your brother's eyes." हाँ, तुम अपने भाई की आंख से एक तिनके को निकालने की कोशिश कर रहे हो। And you are struggling. और तुम उसमें तुम्हें समस्या आ रही है। Oh, you know why? अब तुम्हें पता है क्यों? Why don't you first remove the plank, big plank, across? Then you will be able to see more clearly. तब तुम्हें और स्पष्ट और साफ रीति से दिखाई देगा। But when we want to criticize somebody, none of us remember the problems that we ourselves have. लेकिन जब हम किसी की आलोचना करना चाहते हैं, तब हम अपनी ओर पलट कर नहीं देखते कि हमारे खुद के जीवन में कितनी समस्याएं हैं। Romans chapter 15 verse 1 says. और रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय और ये पहले वचन में लिखा है। हाँ। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। If we are very strong, और अगर हम बलवान हैं, then why do you exalt the weakness of your weak brother? तब आप क्यों अपने किसी कमजोर या निर्बल भाई की उस निर्बलता की आलोचना करते हैं? Instead of spreading it, इसकी बजाय उसके बारे विषय में आप बात करें। You help that brother to become strong with your strength. आप उस भाई की सहायता करें कि आपके बल से वो भी बलशाली हो जाए। And when you do it lovingly, और जब आप इस बात को प्रेम के साथ करेंगे, because you decide that not only I should be strong, but my brother also should be strong. क्योंकि आपकी इच्छा ये है कि ना केवल आप शक्तिशाली हो लेकिन आपका भाई भी बलवंत होने पाए। There is a tremendous
feelings towards each other. तब एक अच्छी भावनाओं का एक सैलाब एक दूसरे के प्रति बहता है. So rejoice in the growth of your brother. और इसलिए अपने भाई के बढ़ने में आप भी आनंदित हो जाएं. And the 11th thing is. जो 11वां काम जो प्रेम करता है. Love rejoices with the truth. कि जो प्रेम है वो सत्य में आनंदित होता है. Now rejoices, we rejoice when the truth is known and when it prevails. और हम आनंदित हो जाते हैं जब सत्य पता चलता है और सत्य बना रहता है. And genuine agape love rejoices when others are recognized. और जो सत्य अगापे प्रेम है वो प्रसन्न होता है आनंदित होता है जब दूसरों को पहचाना जाता है. And others are promoted for whom they are and for what they have contributed. और दूसरे पदोन्नति पाते हैं अपने कामों के खातिर या परिश्रम के खातिर जो उन्होंने किया. तो ये अगापे प्रेम प्रसन्न होता है आनंदित होता है. And love rejoices when the truth is rooted and grounded in a person. और प्रेम आनंदित होता है जब सत्य किसी व्यक्ति में जड़ पकड़े हुए हो और नींव बना ले. And among the people of the world. और संसार के लोगों के बीच में. There will be rejoicing. आनंद होगा. When the truth is deeply rooted. जब प्रेम गहरी जड़ पकड़े हुए होगा. And love never covers. और प्रेम nor hides. और प्रेम कभी किसी बात को छुपाता नहीं या ढकने की कोशिश नहीं करता. They never try to hide the truth. और वो कभी सत्य को छिपाने की कोशिश नहीं करता. And for that, you know, many people get into trouble. कई सारे लोग समस्या में आ जाते हैं. And innocent people. और कई सारे साधारण और भले. Because when they go to the court. क्योंकि जब वो न्यायालय जाते हैं. The person who really wants to trouble them, they have to depend on lies. तब वो जो उनको कठिनाई में लाना चाहता है उसे झूठ पर निर्भर होना पड़ता है. But a nation or a community or a family, people will all rejoice when truth is not hidden. लेकिन एक राष्ट्र और एक परिवार और सभी लोग समाज के खुश होते हैं जब सत्य छिपाया नहीं जाता. And you need to be a courageous person. और आपको एक साहसी व्यक्ति होना है. It is fear that causes you to hide the truth. ये तो भय है या डर है जो आपको सत्य को छिपाने के लिए मजबूर करता है. You are afraid of the punishment. आप डरते हैं कि आपको दंड मिलेगा. And you are afraid of the bad reputation you और आपको ये डर है कि आपकी जो बुरी बातें आपके पीछे होंगी. Because always remember. क्योंकि हमेशा याद रखिए. You can hide the lie only to a certain period of time. आप झूठ को कुछ समय सीमा के लिए ही छिपा सकते हैं. Ultimately, what prevail is the truth. लेकिन अंत में जो बचता है या बचा रहता है वो है सत्य. And so love is courageous in that it faces the truth. और प्रेम साहसी है क्योंकि वो सत्य का सामना करता है. Let us read Ephesians chapter 4 verse 25. इसी पत्री उसका चौथा अध्याय 25वां वचन. इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले. yes. क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं. And then chapter 6 verse 14. और उसके बाद छठा अध्याय 14वां वचन. इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर. See what God is looking for, you know. देखिए क्या परमेश्वर खोजता है. God is looking for truthfulness. परमेश्वर सत्य लोगों की खोज करता है. When we come to his presence. जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं. We don't cover up anything. तब हम किसी बात को छिपाने की
छिपाते नहीं। And there are people trying to cover up things from God. क्योंकि ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से छिपाने की कोशिश करते हैं। That is so foolish. और ये तो बड़ी मूर्खता की बात है। Because no one can hide anything from God. क्योंकि कोई भी परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं सकता। Because he knows everything even before you. क्योंकि वो हर एक बात को जानता है इससे पहले कि आपको भी कुछ पता चले। Nothing is hidden from him. Nothing can No one can hide anything from. उससे कुछ भी छिपा नहीं है और कोई भी उससे कुछ छिपा भी नहीं सकता। So that is the truth about God. और यही परमेश्वर के विषय में सत्य है। And those of us who are sincere. और हम में से वे जो सच्चे हैं। And come to Him in true repentance and true love of God. और उसके सम्मुख सच्चा मन फिराकर आते हैं। Such person, whether man or woman, or boy or girl, will find great favor from the Lord. तब ऐसे लोग परमेश्वर से उसके महान अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। And the 12th thing is. जो 12वीं बात. Love protects and bears all things. और जो प्रेम है, वो सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रीति करता है। The word protects or bears means. और रक्षा करना या प्रीति रखने का मतलब है. To cover all things and to bear up under all things. उसका मतलब है हर एक बात को छिपाना और हर एक बात के प्रति प्रीति रखना. Love does both. और प्रेम इन दोनों कामों को करता है. It stands up under the weight. And onslaught of all things. वो सारी बातों के बोझ के तले खड़ा रहता है। And it covers up the faults of others. और दूसरों की गलतियों को छिपाता है। It doesn't take any pleasure in exposing the wrong and weaknesses of others. वो दूसरों की गलतियों को दिखाने या उनकी कमजोरियों को सामने लाने में उत्साह नहीं मनाता या आनंदित नहीं होता। And so love bears up under any neglect. और इसलिए प्रेम हर प्रकार के तिरस्कार के भार के नीचे भी बना रहता है। Any abuse or ridicule. और किसी भी प्रकार की आलोचना, बुराई या शोषण। Or anything that is thrown at it. या ऐसा कोई भी बात जो कांटे के समान हो। Love protects. प्रेम रक्षा करता है। And when we as believers who are members of the same body. और हम जो विश्वासी हैं और एक ही देह के अंग हैं। How much more we should practice by the grace of God. And we need the power of the Holy Spirit. तब हमें कितना ज्यादा इसका प्रयास अभ्यास करना है और कितना अभ्यास करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। And the 13th thing is. और जो 13वीं बात है। Love always trust. और प्रेम हमेशा भरोसा रखता है, आशा रखता है। Love is completely trusting. और प्रेम हमेशा निश्चित रूप से भरोसा रखता है। It is always eager to believe the best. और वो हमेशा इस बात की रुचि रखता है कि वो उत्तम बातों पर विश्वास करे। Always ready to believe the best thing in a person. और हमेशा एक व्यक्ति के अंदर सबसे उत्तम बातों पर वो विश्वास करता है। Love always see and understand the circumstances. और प्रेम हमेशा परिस्थितियों को देखता और समझता है। And accepts it. और उसे ग्रहण करता है। In what circumstances? Where that person, which force him to maybe do some not cover up but some mistake. और किस परिस्थिति में उसने वो गलती करी और किस परिस्थिति के कारण उसे वो छिपाना पड़ा, इन सारी बातों को वो समझता है। So then he tries to understand. और इन सारी बातों को वो समझने की कोशिश। A loving person. एक प्रेम करने वाला व्यक्ति। The circumstances. परिस्थितियों को समझता है। And accepts it and believes. और उसको ग्रहण करता है और उस पर विश्वास करता है। And forgive. और माफ करता है। Ready to believe the very best about That person. और किसी भी व्यक्ति के विषय में सबसे उत्तम बातों पर वो विश्वास करना चाहता है। But of course the problem with some people are. लेकिन कुछ लोगों के संग समस्या ये है। When
when I am trying to be the same kind of person, जब मैं इस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहता हूँ, then people tend to take advantage of that person. तब लोग उस ऐसे लोगों का फायदा उठाने का कोशिश करते हैं. So that is evil. और ये बुरा है. You should be more reverential and more respectful towards that person. आपको उस व्यक्ति के प्रति और ज़्यादा भय और आदर रखना है. So again, Ephesians chapter 4, verse 32. और इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय 32वां वचन में इस प्रकार लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. And then Colossians chapter 3, verse 30. और उसके पश्चात कलोसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय और 13वां वचन इस प्रकार कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो. See, these verses are in themselves explain clearly what our attitude should be. और ये वचन सीधा बताता है स्पष्ट रीति से कि कैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए. How we must practice this agape love. कैसे हमें इस अगापे प्रेम का अभ्यास अपने जीवनों में करना. And the 14th thing is, तो 14वीं बात प्रेम के विषय में है. Love always hopes. प्रेम सब बातों की आशा रखता है. Never ceases to hope because love always expects the good to eventually triumph. और प्रेम हमेशा इस बात की आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है, क्योंकि उसकी आशा ये है कि सब परिस्थिति और बातों के ऊपर सारी बातें आखिर में भली होंगी. And finally, और अंत में gain victory. वो जयवंत होगा. That is hope. और यही आशा है. And so, when that agape love is exercised, और जब ये अगापे प्रेम का अभ्यास किया जाता है, it refuses to accept defeat. तब वो हार मारने नहीं मानता, but wait with patience. लेकिन वो धीरज के संग इंतजार करता है. And wait in hope. और आशा में इंतजार करता है. For the final outcome of a triumph. ताकि जो अंत का परिणाम आए वो विजयी हो. And see the good. और अच्छी बातें और भली बातों को देखें. In spite of how difficult gaining the victory may seem. इसी वजह कि विजय पाना चाहे कितना कठिन या मुश्किल क्यों ना हो. Love is more powerful than any other problem. और याद रखिए, किसी भी समस्या या चुनौती से बढ़कर प्रेम शक्तिशाली है. Let us listen to what Romans chapter 8 verse 24 रोमियों की पत्री 8वां अध्याय और 24वें वचन में इस प्रकार लिखा है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा. You know, whatever things we know, whatever things we hope for, or we have already seen, there is no waiting in hope. जिन बातों को हम पहले से ही देख चुके हैं तो उनमें इंतजार करना आशा का है ही नहीं. Because it is already in front of you. क्योंकि ये पहले से ही आपके सामने है. But when there is no good result is visible. लेकिन जब कोई परिणाम दिखता नहीं, this agape love will wait. तब ये अगापे प्रेम इंतजार करेगा. You know, that is what Abraham and Sarah did. और इसी प्रकार से अब्राहम और सारा ने काम किया. They waited for the promised son for 25 long years. और 25 सालों तक उन्होंने वाचा या वादे के पुत्र का इंतजार किया. So the book of Hebrews says. और इसीलिए इब्रानियों की पत्री कहती है. Abraham waited with hope against all hope. कि अब्राहम ने आशा के संग परमेश्वर का धीरज के संग इंतजार किया जब कोई आशा नहीं थी. Because
The time was over for them to be productive. क्योंकि उनका समय भी बीत चुका था कि वो किसी बच्चे को जन्म दे सके. His wife was 90 years old. उसकी पत्नी 90 साल की. When all the productive organs within her is dead. जब उसके अंदर के सारे अंग मरने की कगार पर थे. And she herself knew that her husband was 100 years old. और वो जानती थी कि उसका पति भी 100 साल की उम्र का है. And yet they waited with hope. लेकिन फिर भी एक आशा के साथ उन्होंने परमेश्वर का Especially about Abraham it said. खास रीति से अब्राहम के विषय में कहा गया है. He waited with hope against all the hope. कि वो आशा के संग सारी आशाओं के विरुद्ध में भी इंतजार करता रहा. And the powerful reason for that is. और उसका सामर्थ्य कारण ये है. That agape love he had for God. जो अगापे प्रेम उसके हृदय में परमेश्वर के लिए था. God has promised. और वो परमेश्वर जिसने वादा किया है. Is faithful. वो विश्वास योग्य है. And we have such a faithful God. और हमारे पास एक ऐसा विश्वास योग्य परमेश्वर. Jesus Christ has promised that he would return. और यीशु मसीह ने ये वादा किया है कि वो बहुत जल्द वापस आएगा. To take the church away from this world. कि वो कलीसिया को इस संसार से उठा ले. And when we consider today's problems that we are facing. जब हम आज के दिन की समस्याओं को देखते हैं जिनका सामना हम कर रहे हैं. The evil that is increasingly filling nations. और वो बुराई जो धीरे-धीरे करके पूरे राष्ट्र पर कब्जा कर रही है. And selfishness and self-interest. और खुद का लाभ और स्वार्थीपन. And all kinds of evil practices. Reaching up to heaven. और हर प्रकार की बुराई के काम जो स्वर्ग तक पहुंचते हैं. There is a cry. तब एक रोना है. And especially there is no justice is strong. खास रीति से जब कोई न्याय नहीं मिलता. No righteousness. और कोई धार्मिकता नहीं. Even in our judiciary system. यहाँ तक कि हमारे न्यायालयों में भी. So there is a cry, Lord, where is your promise? कि तब एक रोना है कि हे परमेश्वर तेरा वादा कहाँ है? But wait. लेकिन इंतजार करें. God who has promised is faithful. क्योंकि परमेश्वर वो जिसने वादा किया है वो विश्वासी है. He will do what he said he would do. और वो करेगा जो उसने करने के लिए कहा है. Romans 15:4. 15वां अध्याय रोमियो की पत्री उसका 4वां वचन. जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं. हाँ. कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें. Yes. With patience. We may wait. ताकि धीरज के संग हम इंतजार करें. And experience what God has promised. और उसका अनुभव करें जो परमेश्वर ने वादा किया. And last of all, this is point number 15. और 15वां काम जो प्रेम का है. Love always perseveres. कि प्रेम हर बात में धीरज रखता है. The word persevere is a military word. और ये जो शब्द है धीरज रखना ये एक सैनिकीय शब्द है. And means to stand against the attack of an enemy. इसका मतलब है शत्रु के आक्रमण के विरुद्ध भी खड़े रहना. Love is never passive. याद रखिए प्रेम कभी शांत नहीं रहता. And give up even though it may seem impossible. और कभी हार नहीं मानता चाहे परिस्थिति असंभव ही क्यों ना हो. Love actively fights. लेकिन प्रेम तो बड़ी कार्यशील रीति से लड़ता है. And endures all attack. और हर प्रकार के आक्रमणों का सामना करता है. Love is strong. और प्रेम शक्तिशाली है. And energetic. और ऊर्जा से भरा है. And fight and it struggles against any attacks. और लड़ता है और सामना करता है हर एक आक्रमण का. And assaults और हर एक आक्रमण. And will not buckle और किसी भी प्रकार से वो हार नहीं मानता. Will not run away और कभी भी पीछे मुड़कर भागेगा नहीं. Will not give up और कभी भी हार नहीं मानेगा. Love ultimately therefore conquers and triumphs और इसलिए अंत में प्रेम जीतता है और हर एक बात पर विजयी ठहरता है. And always achieve the highest और हमेशा सबसे ऊंचा पाता है. Because it endures all things क्योंकि वो हर एक बात से होकर के निकलता है. And that's why love always triumphs और इसीलिए प्रेम हमेशा जीतता है. What a glorious thing is this agape love और कितना महिमामय है ये अगापे प्रेम. Remember it has to be agape love और याद रखिए इसे अगापे प्रेम ही होना है. Let us see what Matthew chapter 10
verse 22 says. मत्ती रचि सुसमाचार 10वां अध्याय 22वां वचन, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे उसी का उद्धार होगा. Those who suffer and remain true to God till the end, in spite of all the odds, shall experience the power of the salvation of the Lord. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. और पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 58वां वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है. This is a very powerful verse. और ये एक बड़ा ही शक्तिशाली वचन है. And it requires this wonderful agape love to be patient. और ये इसकी योग्यता ये मांगता है कि अगापे प्रेम धीरज शाली. And do not get tired of doing good. और अच्छी बातों को करने से थके नहीं. We will pursue the right path. लेकिन हम सही मार्ग के पीछे चलते रहेंगे और ढूंढेंगे. We will face hindrances. हम रुकावटों का सामना करेंगे. Stumbling blocks. और रुकावटी पत्थर भी आएंगे. And sometimes we are almost giving up. और कई बार हम हार मान चुके मानने वाले ही होंगे. And yet suddenly again. लेकिन फिर भी अचानक से. The strong, powerful love. वो शक्तिशाली मजबूत प्रेम. We want to see ultimately victory. क्योंकि अंत में हम विजय को देखना चाहते हैं. And we will be victorious. और हम जयवंत होंगे. And so God's people are not to give up doing good. और इसलिए परमेश्वर के लोगों को अच्छा बातें करने से पीछे नहीं हटना. Do not give up. और इसलिए हार ना माने. Let us pursue until the end. और आइए हम अंत तक धीरज बने रहें और उसके पीछे दौड़ें. The final victory will be ours. और अंत की विजय हमारी होगी. And remember, let me close it by this. और इस बात को कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ. In Revelation chapter 3 verse 11 says. और प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है उसका 3रा अध्याय और 11वां वचन. मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ. जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट न छीन ले. Yeah. Do not let anyone rob you of your crown. और होने ना दे कि कोई आपका मुकुट आपसे छीन ले. Nothing should hinder you. और कोई भी बात आपके लिए रुकावट ना ठहरे. So when this agape love is in action. और जब ये agape प्रेम कार्यशील हो जाता है. You look beyond all the hindrances. तब आप सारी रुकावटों के परे देखना शुरू कर देते हैं. All the disappointment. सारी निराशाओं के परे. And see the victory at the end. और आप विजय को देखते हैं जो अंत में आपको मिलेगी. And you shall be victorious. और आप जयवंत ठहरेंगे. Those who suffer till the end. और वे जो अंत तक धीरज बनाए रखेंगे. Shall be victorious. वो जयवंत ठहरेंगे. Victory is theirs. और जय विजय उनकी है. Victory does not belong to those who run away. और उनके लिए विजय नहीं है जो बीच में ही मैदान छोड़कर भाग जाते हैं. And then give up. और हार मान लेते हैं. And many are losing what victory they could have gained. और कई हार मान रहे हैं उन विजयों में से जो वो आसानी से जीत जाते हैं. Because they become very impatient. क्योंकि वो उनके अंदर धीरज नहीं रहता. So there is a cost to pay. और एक दाम है जो चुकाना है. Let us keep paying the cost. और आइए हम निरंतर उस दाम को चुकाएं. Be patient. धीरज बने रखें. Look forward. और आगे की ओर देखते रहें. And see our God is faithful. और देखते रहें कि हमारा परमेश्वर विश्वासी है. It says he who called us. और ऐसा लिखा है जिसने हमें बुलाया. Is faithful. वो विश्वास योग्य है. Let us look to him. आइए उसकी ओर देखें. Keep our eyes on his face. अपनी आंखों को उसकी ओर देखें. So here is this agape love in action. और यहाँ पर हम अगापे प्रेम को कार्य में देखते हैं. What a wonderful lesson this is. और कितना अद्भुत शिक्षा ये है. And may the Holy Spirit Himself grant you the grace. और होने दे पवित्र आत्मा खुद आपको अनुग्रह से भर दे. This is the love. और यही वो प्रेम है. Holy Spirit of God. परमेश्वर के पवित्र आत्मा.
These are marvelous and wonderful things. ये अद्भुत शिक्षाएं हैं प्रभु. But without your Holy Spirit. लेकिन आपके पवित्र आत्मा के बिना. We cannot practice this. हम इनका अभ्यास नहीं कर सकते. But with the power and enabling grace of God, we can practice this love. लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के सशक्त करने वाली उपस्थिति के द्वारा हम इसका अभ्यास कर सकते हैं. And see the victory of such agape love. और ऐसे अगापे प्रेम का विजय को देख सकते हैं. In the presence of all the odds and impossibilities. सारी असंभव परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच में भी. Bless your people. अपने लोगों को आशीषित करिए. And continue to enable us. और का निरंतर हमें सशक्त बनाइए. To love. ताकि हम प्रेम करने पाएं. And exercise this love. और इस प्रेम का अभ्यास करने पाएं. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you, dear brothers and sisters. भाइयों और बहनों परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Remember, we have a reward. और याद रखिए हमारा एक पुरस्कार है. But reward is not gained easily. और वो पुरस्कार आसानी से नहीं मिलेगा. Remain faithful. हमेशा विश्वासी. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष. And remember our next lesson, we will go into chapter 14. हमारे अगले अध्ययन में हम पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे. That is a continuation of chapter 12. और वो 12वें अध्याय का ही एक श्रृंखला है जो हम जारी रखेंगे. The gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदान. And everything has to be exercised, practiced by love. और हर एक बात का अभ्यास हमें प्रेम में करना है. God bless you all. परमेश्वर आप सबको. Have a good night. एक अच्छी रात्रि आप सबकी भी. And the grace of God enable you to practice agape love. परमेश्वर का अनुग्रह आपकी सहायता करे कि आप उसके अगापे प्रेम का अभ्यास करने पाएं. Amen. Amen.